तैयार हो रही कि नहीं? अरे मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने बेटा सभी को तैयार किया। हाँ मैं तैयार हो गया। पापा पापा दादी को पहले चलो ना। मम्मी से पूछ लो। मम्मी दादी के लिए चलो ना। अरे उस बुढ़ी को ले जाए। ले चलो ना। बेटा बेटा मुझे भी ले चलो ना। अरे आप बुढ़ापे कहाँ जाएंगी? बेटा बेटा रात में खाना कहाँ खाऊंगी? अरे वहाँ मंदिर है, वहाँ जाके जाकर खा लेना। वे तो बहुत दूर है। लाठी लेकर चले जाना, खाना हो तो खाओ नहीं तो मरो। और बूढ़ी दादी जो हैं वो दुखी बैठी रहती हैं। फिर उनके बच्चे जो हैं वो पार्टी के लिए चले जाते हैं। सब लोगों ने देखा ना कैसे वो लोग पार्टी में चले गए। अब हम देखते हैं जब वो लोग पार्टी से वापस आते हैं तब क्या होता है। देखते हैं वो लोग पार्टी से वापस आ रहे हैं। दादी दादी आज मैंने बहुत सारे खाने खाए। दादी तुमने कुछ नहीं खाया क्या? नहीं बेटा, जाते जाते ना खाना पूरा चुग गया था और प्रसाद भी चुग गया था। अच्छा खत्म हो गया था? अच्छा तो खत्म हो गया था। हाँ रुको मैं मम्मी से कह रहा हूँ अभी खाना बनाए। मम्मी मम्मी दादी के लिए खाना बना दो। अरे वहाँ नहीं खाई थी क्या मंदिर में? वहाँ जाते जाते खत्म हो गया था खाना। तो मैं क्या करूँ? उनके उनके पाँव नहीं है क्या? जल्दी नहीं जा सकती। अगर मम्मी मैं बड़ा हूँगा ना तो मंदिर के बगल घर बनवाऊंगा। अरे वाह मेरा बेटा तो। अरे सुनते हो जी? हाँ। मेरा बेटा ना मंदिर के बगल में घर बनाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा मंदिर के बगल क्यों घर बनवाऊंगी? जब मैं पार्टी में जाऊंगा तो आप लोग वहीं रहना, तो वो मंदिर में जो भंडारा होगा वो आप लोग उसका खाना खा लेना। क्या हम लोग भंडारे में खाना खाएंगे? आप लोग दादी को जैसे खिलाए थे भंडारे में उसे हम लोग भी आपको खिलाएंगे। अरे राम ये हमें भंडारे में खाना खिलाएगा। और ये सही कह रहा है। हम लोग भी अपने माँ को उसे कह रहे थे हमारे लोग तो ऐसे करेगा, हमको भी ऐसे करेगा। हम लोगों को जाकर माँ से माफी मांगना चाहिए। हमसे माफी मत मांगो, दादी से माफी मांगो। हमें माफ कर दो। रहे तो बहुत जगह घर। अम्मा माफ कर दो, अभी मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू। तो सब बच्चों ने ये नाटक देखा? Yes, कैसा लगा? अच्छा। एक एक करके बताना, ठीक है? हाथ खड़ा करना जिससे बोलेंगे वो। इससे क्या सीखा? हाथ खड़ा करो तब हम पूछें किसने क्या सीखा। किससे पूछें? चलो बताओ क्या सीखा। मैं हमने ये सीखा। खड़े होके बताया जाता है। हाँ मैं हमने ये सीखा कि हमें कहीं जाना चाहिए तो किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वेरी गुड। और क्या सीखा? हाँ बताओ। हमने सीखा कि जो अपने माँ बाप से करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। वही सीखते हैं, वेरी गुड। हाँ सनी क्या सीखा बेटा? मैं ये सोचेंगे अगर आप खराब सोचेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर भी ऐसा जाएगा, वो भी खराब ऐसे ही सोचेंगे। वेरी गुड। और स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? जी मैम सोची नहीं थी। कल से सब बच्चे स्कूल ड्रेस में नजर आए, ठीक है? तो अच्छी चीज। सब लोगों ने इससे यही सीखा कि अपने जो दादा दादी नाना नानी बूढ़े लोग होते हैं तो कई बार उनका ध्यान नहीं रखते हैं ना सब लोग, पर उनका ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? और अगर मम्मी पापा लोग उनका ध्यान नहीं दें तो बच्चों को क्या करना चाहिए? जबरदस्ती बोलना चाहिए कि नहीं उनका ध्यान रखो, ठीक है? अब हम लोग आज एक प्रतिज्ञा लेंगे सब लोग, ठीक? यस मैम। तो उसके लिए सब लोग खड़े होंगे और थोड़ी तो अभी रुक जाओ जब हम कहेंगे तब खड़े होके और अपना वन हैंड डिस्टेंस पे सब अच्छे से खड़े हो, ठीक है? चलो सभी लोग अब एक साथ प्रतिज्ञा लेंगे, ठीक है? बोलो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि बुजुर्गों से आदर एवं प्रेम से व्यवहार करूंगी, उन्हें उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार से बचाऊंगी,
उनके साथ हमेशा समय बिताऊंगी, जिससे वे अकेले और परिवार से अलग ना महसूस करें। उस समय उनकी देखभाल करूंगी जब वह स्वयं अपनी देखभाल करने में असमर्थ होंगे। उनको स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होने में मदद करूंगी। तन और मन से स्वस्थ रहने में मदद करूंगी। सक्रिय एवं व्यस्त रहने में सहायता प्रदान करूंगी। उनको अपने जीवन का उद्देश्य विकसित करने में मदद करूंगी। मन वचन और कर्म से अपने बड़ों माता पिता दादा दादी एवं नाना नानी के प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगी। जय हिंद। सिट डाउन। और समीर, आज भी जय हिंद उल्टे ही हाथ से करते हो? हाँ, बाकी सब ठीक है, लिखा करो उल्टे हाथ से, पर बाकी जय हिंद किस हाथ से करते हैं? ठीक है, तो अलग लगने लगता है, बाकी तो किसी से भी करो, कोई बात नहीं। ठीक, ओके, सिट डाउन।